हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय अमनिसाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा से एनिमल एस्टेरियास, जिसे कॉमन नेम स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, उससे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्टेरियास बिलोंग्स टू, एस्टेरियास संबंधित है। ऑप्शन ए है एस्ट्रो आइडिया, ऑप्शन बी है इकाइनो आइडिया, ऑप्शन सी है आफेरो आइडिया, ऑप्शन डी है होलोथ्रो आइडिया। तो एस्टेरियास है ये संबंधित है एस्ट्रो आइडिया के अंतर्गत आता है। एस्ट्रो आइडिया क्लास जो है सी के अंतर्गत आता है एस्टेरियास, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रो आइडिया। इकाइनो आइडिया के अंतर्गत इकाइनेस आती है, होलो थोरो आइडिया के अंतर्गत होलोथोरिया, जिसे सी कोकुम्बर के नाम से जाना जाता है, आती हैं, और अफिरो आइडिया के अंतर्गत ब्रिटल स्टार आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉमन नेम ऑफ एस्टेरियास, एस्टेरियास का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन ए है सी पेंटागन, ऑप्शन बी है ब्रिटल स्टार, ऑप्शन सी है स्टारफिश, और ऑप्शन डी है बास्केट स्टार। तो जो कॉमन नेम है एस्टेरियास का, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी स्टारफिश। स्टारफिश कॉमन नेम है एस्टेरियास का, जबकि जो ब्रिटल स्टार, जिसे हमने बताया कि आप हीरो आइडिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं, मोस्टली हम कह सकते हैं कि जिन्हें ब्रिटल स्टार कहा जाता है, इसमें इन्वॉल्व होती है आफेरा एनिमल आता है। गार्गोनोसिफेलस को बास्केट स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ऑप्शन ए है पेडिसिलरी, ऑप्शन बी पापुला, ऑप्शन सी बॉडी वॉल, ऑप्शन डी पोडिया। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है स्टारफिश का है ए पापुला, इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर बी पापुला। इस पापुला को डर्मल ब्रैंकिया के नाम से भी जाना जाता है, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह ये बिहेव करता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कुछ गैसियस एक्सचेंज ट्यूब फीट के द्वारा होता है, ट्यूब फीट के द्वारा भी गैसेस एक्सचेंज होता है। जबकि जो पेडिसिलरी होती हैं, ये एक तरीके से रिमूव ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने में और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिलीज करने में वर्क करती हैं। और पोडिया जो होता है मीन्स ट्यूब फूड, इसमें भी कुछ हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि कुछ गैसेस एक्सचेंज इसमें भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी, पेडिसिलरी का कार्य है। ऑप्शन ए है कैप्चरिंग प्रे, प्रे को कैप्चर करना, ऑप्शन बी है कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ डिबेरिस, कैप्चर करना और डिबेरिस को रिमूव करना, ये कैप्चर रिमूवल ऑफ डिबेरिस एंड माइनेट ऑर्गेनिज्म, मीन्स कैप्चर करना माइनेट ऑर्गेनिज्म को और डिबेरिस को रिमूव करना, और ऑप्शन डी है हेल्प इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में मदद करना। तो पेडिसिलरी का मेन फंक्शन है कैप्चर करना, डिबेरिस को रिमूव करना और माइनेट ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ डिबेरिस एंड माइनेट ऑर्गेनिज्म। एक एनिमल को या इनके फूड मटेरियल को कैप्चर करने में मदद करता है, इसके अलावा ये डिबेरिस को जो भी इनका खराब पदार्थ होता है उसको और छोटे ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन है। ऑप्शन ए है पोडिया, ऑप्शन बी है पोलियन बेसिकल्स, ऑप्शन डी सी है नन। तो इनमें लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होता है स्टारफिश का ट्यूब फीट होता है, जिसे पोडिया भी कहते हैं, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए पोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करैक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म का करैक्टरिस्टिक्स फीचर है ऑप्शन ए है वाटर वैस्कुलर और एम्बुलोकरल सिस्टम, ऑप्शन बी है हेमल सिस्टम, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन। तो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स फीचर होता है उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और हेमल सिस्टम, ये मेन करैक्टर्स होते हैं जो और किसी फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल के में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए इकाइनोडर्म्स का जो मेन करैक्टरिस्टिक्स फीचर है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड एम्बुलोकरल सिस्टम जिसे कहा जाता है, और इसके अलावा हेमल सिस्टम। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी बोथ मीन्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड हेमल सिस्टम इनका मेन करैक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इपीडर्मिस ऑफ एस्टेरियास कंटेंस, एस्टेरियास की इपीडर्मिस में होता है ऑप्शन ए है एपिथेलियल सेल, ऑप्शन बी है ग्लैंड सेल्स, ऑप्शन सी न्यूरोसेंसरी सेल्स, ऑप्शन डी ऑल दी एबव। तो एस्टेरियास की जो इपीडर्मिस में वो पाई जाती हैं एपिथेलियल सेल भी पाई जाती हैं, ग्लैंड सेल भी पाई जाती हैं, न्यूरोसेंसरी सेल भी पाई जाती है। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज इंट्रोसिलिक एनिमल, इंट्रोसिलिक एनिमल कौन है, ऑप्शन ए टीनिया, ऑप्शन बी फेरेटिमा, ऑप्शन सी पेलीमान, ऑप्शन डी एस्टेरियास। तो इनमें जो इंट्रोसिलिक एनिमल है वो है एस्टेरियास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लार्वल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश की जीवन चक्र में लार्वा की अवस्थाएं हैं, ऑप्शन ए है बिपिनेरिया, ऑप्शन बी है ब्रैंकियल एरिया, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन। तो स्टारफिश की जो जीवन चक्र में जो लार्वल स्टेज पाई जाती हैं वो बिपिनेरिया भी पाई जाती हैं और ब्रैंकियल एरिया भी पाई जाती हैं। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ मीन्स बिपिनेरिया एंड ब्रैंकियल एरिया दोनों इनकी लार्वल स्टेज होती हैं स्टारफिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्स ऑफ एस्टेरियास आर, एस्टेरियास के एग्स हैं अंडे होते हैं, ऑप्शन ए है माइक्रोलेसाइथल, ऑप्शन बी है मैक्रोलेसाइथल, ऑप्शन सी है मेगालेसाइथल, ऑप्शन डी है ओलिगोलेसाइथल। तो जो एस्टेरियास का एग होता है वो होता है माइक्रोलेसाइथल, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोलेसाइथल। माइक्रोलेसाइथल एग वे एग होते हैं जिनमें याल की मात्रा लेस होती है मीन्स कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द फीमेल ऑफ एस्टेरियास लेज एग्स पर आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, जो फीमेल एस्टेरियास होती है वो प्रत्येक एक घंटे में या पर आवर्स में कितने अंडे लगभग देती है। इसमें ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 1,00,000, ऑप्शन डी है 10,00,000। तो जो फीमेल एस्टेरियास होती है स्टारफिश जो होती है ये पर आवर्स में लगभग 10,000 अंडे देती हैं मीन्स 1,000,000 अंडे ये देती है लगभग एक घंटे में। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी 10,00,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टोन सेल्स कनेक्टेड होती हैं, ऑप्शन ए है रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल्स, ऑप्शन बी है रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, और ऑप्शन सी है मैड्रिपोराइट एंड रिंग कैनाल। तो जो स्टोन कैनाल होती हैं वे कनेक्टेड होती हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रिपोराइट और रिंग कैनाल से, एक सिरे में ए मैड्रिपोराइट से कनेक्ट होती हैं और एस शेप्ड जो कैनाल होती है इसी को स्टोन कैनाल कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो फॉर्मेशन हो सी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनी होती है और ये जाकर के ओपन होती है रिंग कैनाल में,
इसी को रिंग कैनाल कहा जाता है और इसमें ओपन होती है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लैटर्न इज फाउंड इन, अरस्तु की लैटर्न पाई जाती है, ऑप्शन ए है कुकुमेरिया, ऑप्शन बी है एंटीडॉन, ऑप्शन सी इकाइनस, ऑप्शन डी है आफियोथ्रेक्स। तो अरिस्टोटल लैटर्न या अरस्तु की लैटर्न ये पाई जाती है इकाइनस में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी इकाइनस। ये मोस्टली डाइजेशन में मदद करती है, फूड को मैस्टिकेट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, टीडमैन बॉडीज प्रोड्यूस फ्री, टीडमैन बॉडीज जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं स्वतंत्रतापूर्वक, स्वतंत्र ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है अमीबोसाइट, ऑप्शन सी हीमोसाइट, ऑप्शन डी थिसोसाइट। जो ट्रीटमेंट बॉडी होती है फ्री प्रोड्यूस करती है फ्री अमीबोसाइट, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी अमीबोसाइट। जो ट्रीटमेंट बॉडीज होती हैं ये जो रिंग कैनाल होती है स्टार फिश में, जो स्टार फिश में रिंग कैनाल होती है, यही जो स्ट्रक्चर होती हैं यही स्टार फिश में रिंग कैनाल कहलाती हैं, और इसी रिंग कैनाल में ये 9 की संख्या में पाई जाती हैं। मींस जो टीडमैन बॉडीज होती है रिंग कैनाल से अटैच होती हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और ये 9 की संख्या में पाई जाती हैं, और मोस्टली ये अमीबोसाइट जो फैगोसाइटिक अमीबोसाइट होती हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी अमीबोसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, उत्सर्जी अंग एब्सेंट होते हैं, ऑप्शन है निमेटोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी क्रस्टेशिया, ऑप्शन डी ओंकोफोरा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जो उत्सर्जी अंग होता है वो अनुपस्थित होता है, मीन्स एब्सेंट होता है, और इसमें मोस्टली जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है ट्यूब फीड पाइलोरिक कैका, जो ट्यूब फीड होता है और पाइलोरिक कैका होते हैं इनमें ये कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करने का वर्क करते हैं, मीन्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह ये बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है कुछ, द वर्ड इकाइनोडर्मेटा वॉज फर्स्ट यूज बाय, इकाइनोडर्मेटा शब्द प्रथम बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन है लेनियस, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी जैकब लाइन, ऑप्शन डी है ग्रैंट। तो इकाइनोडर्मेटा जो शब्द था पहली बार यूज किया गया था, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी जैकब लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटल स्टार बिलोंग्स टू द क्लास, ब्रिटल स्टार किस क्लास के अंतर्गत, किस क्लास से संबंधित है, ऑप्शन है एस्ट्रोआइडिया, ऑप्शन बी अफीरोआइडिया, ऑप्शन सी है क्राइनोआइडिया और ऑप्शन डी है इकाइनोआइडिया, इकाइनोआइडिया। तो जो ब्रिटल स्टार है वो संबंधित है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी अफीरोआइडिया। अफीरोआइडिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इकाइनोडर्म्स होते हैं उन्हें ब्रिटल स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है, थायोन इज कॉमनली नोन एज, थायोन सामान्यता कहलाता है, ऑप्शन ए है ब्रिटल स्टार, ऑप्शन बी सी कुकुम्बर, ऑप्शन सी है सी लिली, ऑप्शन डी है सी केक अर्चिन, केक अर्चिन, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। मीन्स जो थायोन होता है वो सामान्यता कहलाता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सी कुकुम्बर। क्वेश्चन है, द अरिस्टोटल लैटर्न ऑफ इकाइनोइड्स इज एन अपैरेटस दैट फंक्शन एज, इकाइनो इकाइनाइड या इकाइनोस इकाइनस में पाए जाने वाले जो अरिस्तु की लैटर्न होती है, लालटेन होती है, अरिस्टोटल लैटर्न होता है, उसका फंक्शन क्या है, मीन्स फंक्शन क्या है अरिस्टोटल लैटर्न का। तो इसमें ऑप्शन ए है रिस्पायरेटरी, ऑप्शन बी एक्सक्रेटरी, ऑप्शन सी मस्टिकेटरी, ऑप्शन डी एसेसरी।
तो एरिस्टोटल लैटिन का एकेनस में मेन फंक्शन होता है मस्टिकेशन का, फूड मस्टिकेशन का, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी मस्टिकेटरी। नेक्स्ट है कुछ सीलोम इन स्टारफिश, स्टारफिश में सीलोम होती है, ऑप्शन है साइजोसिलस, ऑप्शन बी इंट्रोसिलस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो स्टारफिश में जो सीलोम होती है वो इंट्रोसिलस होती है, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रोसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का उत्सर्जी उत्पाद होता है, पदार्थ होता है, ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो स्टारफिश का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उत्सर्जी अंग होता है, वो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों सही, मीन्स बोथ बी एंड सी, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, या हम कह सकते हैं डी यूरिक एसिड को यहाँ से हटा देते हैं। तो इन क्योंकि इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फार्म होता है अमोनिया भी फार्म होता है, यूरिया एंड क्रिएटिनिन फार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोटॉमी इज फाउंड इन, ऑटोटॉमी पाई जाती है, ऑप्शन ए मोलस्क, ऑप्शन बी आरिलिया, ऑप्शन सी लीच, ऑप्शन डी सी स्टारफिश या सी स्टार। तो ऑटोटॉमी ये पाई जाती है सी स्टार में, स्टारफिश में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी सी स्टार। ऑटोटॉमी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जो इंजर्ड हो जाता है और उस टूटे हुए पार्ट को स्टारफिश पूरी तरीके से ब्रेक ऑफ कर देता है, तोड़ देता है, मींस अगर आर्म घायल हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो उस आर्म को पूरी तरीके से ये रिमूव कर देता है, उसी को ऑटोटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी लिली और फेदर स्टार्स संबंधित है, ऑप्शन ए है इकैनोआइडिया, ऑप्शन बी है क्रैनोआइडिया, ऑप्शन सी होलोथ्रोआइडिया, ऑप्शन डी है एस्ट्रोआइडिया। तो सी लिली एंड फेदर स्टार्स ये संबंधित है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी क्रैनो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फाइलम ऑफ एनिमल इज एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन मीन्स इनमें से किस फाइलम का एनिमल पूरी तरीके से समुद्री होता है, समुद्र में पाया जाने वाला होता है, ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी इकैनोडर्मेटा, ऑप्शन डी पोरीफेरा। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी इकैनोडर्मेटा। इकैनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं पूरी तरीके से समुद्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ, वाटर वैस्कुलर सिस्टम आइडेंटिफिकेशन होती हैं, पहचान होती हैं, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इकैनोडर्मेटा। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी इकैनोडर्मेटा। इकैनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और यही वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनको एक तरीके से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करके लोकोमोशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल व्हिच कॉमनली नोन एज सैंड डॉलर मीन्स, इनमें से कौन सा एनिमल है जिसे सैंड डॉलर के सामान्य नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए है एंटीडॉन, ऑप्शन बी है क्लाइपियस्टर, ऑप्शन सी है ऑफियोथ्रिक्स, ऑप्शन डी है इकाइनस। किसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइपियस्टर। क्लाइपियस्टर जो होता है उसे सैंड डॉलर के कॉमन नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फाइलम इकैनोडर्मेटा से, एनिमल एस्टेरियास से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।